हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यार, एक नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सार्थक पसरीचा। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल आपको पता ही है, हम आपको अच्छे अच्छे नज़ारे भी दिखाते हैं, साथ में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, जिसने भी अब्रॉड में जाना है, सेटल होना है, काम करना है, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो आज भी दोस्तों बहुत बढ़िया व्लॉग होने वाला है, ठीक है जी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। आपने जैसे कि थंबनेल टाइटल को देखकर समझ लिया होगा, पोलैंड का दोस्तों 3 ईयर्स का वर्क परमिट विद अपॉइंटमेंट बहुत ही एक्सक्लूसिव और बढ़िया ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, किस तरीके से आप पोलैंड में वाकई जा सकते हैं शेंगेन एरिया में। अगर आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं, काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है जी, परेशान हो चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा रास्ता, तो आज आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारा एक ही नारा है, मेहनत आपकी साथ हमारा है, ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यार, आज बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ठीक है। और ये सारी स्ट्रीट है, तो ये एक पार्क वगैरह है यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया दोस्तों व्यू मिलता है यहाँ पर। तो मैं यूजुअली यहाँ पर घूमने आता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ, क्रोशिया के लिए हमारे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट के वीज़ा भी आए हैं, ठीक है। जल्दी उनकी फ़्लाइट होने वाली है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यूनिक ब्लॉग्स और बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। नई इंस्टाग्राम आईडी हमने लॉन्च की है, ठीक है जी, वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। जो चीज़ हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाते, वो चीज़ हम इंस्टाग्राम पे डाल के आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे भी दिखाएंगे और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, आज की जो अपॉर्चुनिटी है पोलैंड के लिए, ये 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है जी। 3 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, ये आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। इसमें दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई है, वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में, नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पे आई हैं दोस्तों इसमें वेयर हाउसेज में। नंबर 3 पे आई हैं दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर में। अब ये जो 3 रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ फटाफट से। नंबर 1 दोस्तों, जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन में जनरल हेल्पर का वर्क है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये काम के लिए सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। जो फिज़िकली कंप्लीट फिट है, वही अप्लाई करें केवल। इसकी सैलरी की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो सैलरी आपको आपकी होम करेंसी के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, होम कंट्री की जो करेंसी होती है, मैं आपको यूरोज़ में बता रहा हूँ। तो यूरो में दोस्तों इसकी सैलरी लगभग 1000 यूरो से लेकर 1200 यूरो के बीच में रहेगी, प्लस ओवर टाइम अलग से, ठीक है जी। फूड एकोमोडेशन आपको इसमें मिलेगा, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो प्रोफाइल आई है वेयर हाउस में दोस्तों जनरल हेल्पर की है, वेयर हाउस में भी अगेन। अब जो वेयर हाउस में दोस्तों जनरल हेल्पर का काम होता है, ये लाइट वर्क है, ये ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको छोटा मोटा काम करना पड़ सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ आपको। देखिए जी, इसमें क्या है कि आपको सुपरवाइज़र के साथ अटैच किया जाएगा, ठीक है। सुपरवाइज़र आपको छोटा मोटा कोई भी काम कह सकते हैं कि ऐसा कहे, आप इन जो बॉक्सेस पड़े हैं इन पे लेबल लगा दीजिए, ठीक है, या प्लस में इन बॉक्सेस को उठा के लोड करके ऊपर रख दीजिए, रैक में रख दीजिए, रैक होते हैं वहाँ पर, सेट करके रख दीजिए। तो इस तरीके का जनरल छोटा मोटा काम होता है, लेकिन ये काफ़ी नॉर्मल वर्क होता है दोस्तों। और जो वहाँ पे बॉक्सेस भी होते हैं दोस्तों कोरियर कंपनी में, वो काफ़ी हल्के होते हैं, वो इतने भारी नहीं होते, ठीक है, कि जो आप उठा नहीं सकते। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नंबर 3 में दोस्तों ये फार्म वर्किंग का काम है, ठीक है, जो फार्म वर्कर एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें दोस्तों कोटा काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही कम सीट्स हमें चाहिए इसमें, ठीक है जी। इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम आई है। बाकी जो है वेयर हाउस वाली और कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें तकरीबन 60 कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड चाहिए, ठीक है जी। ओवरऑल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पता ही है बहुत ही जल्दी सब कुछ रिक्वायरमेंट जो है फिलफुल हो जाती हैं, ठीक है। अब प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ दोस्तों, कि अपॉइंटमेंट के रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड भी हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी इसको अप्लाई करवाना चाहता है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, तो उसको अपॉइंटमेंट पहले ही प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट के लिए कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें दोस्तों मैसेजेस आते रहते हैं हमारे मेंबर्स के, जो हमारे मेंबरशिप होल्डर हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि सर, हमने कहीं से वर्क परमिट एक्सपायर कंपनी से मंगा लिया, अपॉइंटमेंट ही नहीं है, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों, वर्क परमिट एक कागज़ का टुकड़ा ही है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, अब रश बढ़ गया है, अब आपको पता ही है अपॉइंटमेंट की कितनी दिक्कत होती है। तो किसी को भी शेंगेन कंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी कंट्रीज की किसी भी कैटेगरी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड भी बात करनी है, तो आप जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी अभी अवेलेबल है, ठीक है जी। कोई भी कैटेगरी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे आपके लिए वर्क हो, कोई भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप बेचक होकर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है,
चार्जेस पे करने के बाद ही कृपया संपर्क करें, ये हमने क्लियरली बोल के बताया हुआ है। जो भी हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट हैं केवल और केवल वही संपर्क करें, उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं, उन्हीं का काम करवाना हम पसंद करते हैं। ठीक है जी, हमने क्लियर करके दिया हुआ है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इसकी सैलरी जो है लगभग लगभग जो सभी तीनों प्रोफाइल्स की है वो सेम है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है जी, फूड अकोमोडेशन आपको तीनों में मिलने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन आपको तीनों में मिलने वाला है। ठीक है जी, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अब एज की बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो दोस्तों देखिए इसमें एज जो है 18 साल से लेके 50 ईयर्स, यानी कि 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कोई भी कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको 10th होना आपका अनिवार्य है, आपको 10th की होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक बार आप बात करेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट आगे भेज कर चेक करवाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास काफ़ी सारी प्रोफाइल्स आती रहती हैं, तो हम कैंडिडेट के प्रोफाइल को चेक करने के बाद बता पाते हैं कि उसका काम किस तरीके से हो पाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रोफाइल चेक करना। अगर आपके पास रिज्यूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिज्यूम बनाने में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है जी, बहुत नॉमिनल से चार्ज में, तो अपनी प्रोफाइल डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी बनती होगी उस जगह पे आकर आप अप्लाई करेंगे तब आपको बेनिफिट है। कहने वाले तो दोस्तों कुछ भी कह देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो हमेशा जब भी अप्लाई कराएं, चाहे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई कराएं या किसी के थ्रू अप्लाई कराएं, दोस्तों जहाँ भी आपको ट्रस्ट होता हो ये ध्यान रखें कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही अप्लाई कराएं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनता तो भाई कृपया करके उस कंट्री में अप्लाई ना करें। अब दोस्तों 3 साल के वर्क परमिट का फ़ायदा मैं बता दूँ आपको क्या होता है। काफ़ी सारे दोस्तों सवाल आते हैं कि सर वर्क परमिट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, या एक्सटेंशन कंपनी देगी कि नहीं देगी। ठीक है, क्या करवा पाएंगे? तो दोस्तों इस तरीके के सारे झंझटों से आपको आज़ादी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ पहले ही हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, 3 साल तक तो आपको कंपनी को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे आप काम कैसे भी कर रहे हो। ठीक है, या आपकी इच्छा है तो आप एक्सटेंड और भी करा सकते हैं, लेकिन 3 साल तक तो आपको वहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से एक्सटेंड करके देगी ही देगी। ठीक है जी, एक एक साल कर। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है दोस्तों 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट का। तो जब भी आप कोशिश कीजिए कि जाइए तो 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही जाइए, 1 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर मत जाइए। दोस्तों अगर एक्सटेंड नहीं हुआ वीज़ा तो भाई आपको फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर करके बताई है। ये बहुत यूनिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर एक्सटेंड कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो दोस्तों इसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। ठीक है जी, और भी कोई सवाल है आपके यूजुअली जनरल सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिसने भी जनरली बात करनी है भाई, मैंने आपको बताया है टेलीग्राम आईडी प्लस में आपका व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो आपको हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मैंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाइए। ठीक है, गूगल पे के थ्रू या और किसी मोड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी, कंसल्टेशन चार्ज, उसके बाद आप इससे संपर्क कर सकते हैं, कॉल बुक करके आगे की डिस्कशन अपनी कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बताइए, हम चेक करेंगे, आपको रिवर्ट करेंगे किस तरीके से आपका काम किस कंट्री के लिए हो पाएगा। अगर फॉरेन के लिए आपने काम करवाना है तो अभी सीट्स अवेलेबल है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो अपलोड होते ही आपको पता है हमारे पास बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी आ जाती हैं। प्रीवियस में हमारे मेंबर्स भी होते हैं, उनकी फाइल्स भी आ जाती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।